रजनीकांत की काला को मिला लीगल नोटिस, शख्स ने किया 100 करोड़ की मानहानि का दावा। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर से पर्दे पर आ रहे हैं। दरअसल रजनीकांत जल्द ही फिल्म काला को लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर फैंस पिछले काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था। टीजर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया था। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया गया, जिसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है। लेकिन अब इस फिल्म के चलते थलाइवक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दरअसल हाल ही में एक शख्स ने रजनीकांत को लीगल नोटिस भेजा है। इस शख्स का दावा है कि काला उनके पिता की लाइफ पर बेस्ड है और उन्होंने 101 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा भी किया है। इस शख्स का नाम जवाहर नाडर है, जो कि इस तिरावीन का बेटा है। जवाहर ने फिल्म को लेकर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर और रजनीकांत के दामाद एक्टर धनुष पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पिता की इमेज को खराब करने की कोशिश की है। आरोप लगाया है कि सिर्फ राजनीति के लिए बार बार मेरे पिता का नाम सामने ला रहे हैं और उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह सब किसी पॉलिटिकल एजेंडे को ध्यान में रखकर किया गया है। साथ ही पिछड़ी जाति के लोगों का भी इसमें इस्तेमाल किया है ताकि उन्हें नुकसान हो। वहीं नोटिस में कई बातों का जिक्र है। जवाहर के वकील ने नोटिस में आरोप लगाते हुए कहा है कि इन लोगों ने जो गलती है कि उसके लिए हमें माफीनामा लिखित में चाहिए। जवाहर नाडर के पिता इस तेरावीन तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से 1957 में मुंबई आए थे। तमिलनाडु के लोग उन्हें गॉडफादर भी मानते थे। वो गुड़ के व्यापारी रहे हैं। यहाँ लोग उन्हें अनाची और गुड़ वाले सेठ के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने लोगों की मदद की है। उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है, ना ही मुंबई में और ना ही तमिलनाडु में। बता दें कि इससे पहले कावेरी जल विवाद के चलते कर्नाटक में फिल्म को बैन करने के लिए कहा गया था। फिलहाल देखते हैं कि रजनीकांत की मुश्किलें कब खत्म होती है।